हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम आपको लेसन नंबर टू की समरी बताएंगे। लेसन नंबर टू है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है मृत्यु से। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम किसी विपत्ति के समय साथ साथ रहें तो। तो अब हम इसको आपको हिंदी समरी बताएंगे। ये गॉर्डन क्रूप एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया लेसन है। अब आपको हम बताएंगे कि ये आपको बुक खरीदनी है एनसीईआरटी इजी बुक इंग्लिश क्लास 11 हॉर्नबिल स्नैपशॉट और बाई ये पंकज अग्रवाल चित्रा पब्लिकेशन की ये बुक है। इस तरह से आपको ये हॉर्नबिल बुक चल रही है। अब इसमें अब आपको करना क्या है कि आप बुक खरीदें और इनकी तैयारी पर लग जाएं। अब हम आपको स्टूडेंट सभी को इसकी समरी बताते हैं। लेखक जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी और 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजान और कप्तान जेम्स कुक के साथ समुद्री यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने अपनी यात्रा 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन की लकड़ी की बनी नाव, जिसको नाम दिया बे वॉकर, उससे प्रारंभ की थी। इस यात्रा में कितने वर्ष का समय लगना था? 3 वर्ष का समय लगना था। आप इसे रीडिंग करेंगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ ब्रीफ समरी यही मिलेगी। प्रथम चरण में लेखक ने अपने परिवार के साथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। केप टाउन से आगे लेखक को आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच क्या हुआ? लहरों ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और सभी यात्री अपनी नाव से संपर्क तोड़ लेते हैं। नाव कुछ दूरी पर लगभग ऐसी लगी जैसे कि वो पलट गई हो। उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था, परंतु वे अपने आप को 2 छोटे द्वीप समूहों के बीच में क्या करते हैं? स्टूडेंट पाते हैं। और उसके बाद 4 जनवरी को जहाज नुमा नाव से, नाव कैसी बनी थी स्टूडेंट? जहाज की तरह से, पानी नाव से पानी बाहर निकालते हैं, उसमें पानी भर जाता है, तूफान आ जाता है। और पानी जब उसमें तूफान आने से पानी की लहरें जब उसमें जाती हैं तो पानी भर गया, तो पानी को बाहर निकाला। 4 जनवरी को ये पानी बाहर निकाला, उसके मस्तूल को सही किया। मस्तूल क्या होता है? एक पर्दा सा होता है ऊपर, जो हवा के झोंके से उसको आगे को बढ़ा लिया जाता है। आगे यात्रा करने के लिए सभी अपने अपने रक्षा कवच पहनते। रक्षा कवच कौन से? टायर ट्यूब ले लेते हैं, और तैरने का डूबे नाम उसके सामान जो पहन लेते हैं नाविक लोग उसको। इस दौरान सुजान, जिसका नाम शू रखा है, माना है उसने, शॉर्ट में शू बोलते हैं उसको, को सिर में उसी तूफान में चोट लग जाती है। उनका दिशा सूचक खो गया। दिशा कौन सा? जिसे डायरेक्शन पता करते हैं, मैग्नेट का बना हुआ सुई सी लगी होती है। परंतु पश्चिमी धाराओं से अनुमान लगाकर 185 डिग्री अपनी जहाज नाव को घुमाकर अपनी सही दिशा प्राप्त कर लेते हैं। अंत में क्या होता है स्टूडेंट? सभी सकुशल आर्मस्टर्डम नाम के द्वीप पर पहुंचते हैं, जिस पर बहुत कम हरियाली थी परंतु बहुत सुंदर द्वीप था वो। उस द्वीप पर रहने वाले 28 व्यक्तियों ने इन सब की उनकी मदद की। किस किस की? लेखक की। लेखक का परिवार था, कप्तान था, नाव फंस गई, तूफान में फंस गई, उनकी मदद करते हैं वो। यह एक साहसिक और परेशानियों से भरी यात्रा थी स्टूडेंट। और अब मैं इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम विपत्ति के समय पर धैर्य रखें और हिम्मत से काम लें तो हम किसी भी विपत्ति का सामना आराम से कर सकते हैं और उससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें मुसीबत के समय, परेशानी के समय स्टूडेंट कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हौसला और हिम्मत से काम लेते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, क्या है? गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इस प्रकार के मैंने बहुत ही ब्रीफ समरी, यह बहुत बड़ा चैप्टर है, सारा नहीं पढ़ा सकते वीडियो पर, ब्रीफ समरी मैंने आपको समझाई है। आपने समझी होगी और उम्मीद इसे बार बार रिपीट करेंगे वीडियो को, तो आपको
दो तीन बार सुनेंगे इसे तो जरूर याद हो जाएगी और इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में लिखाएंगे। अभी इससे पहले हमने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई थी। तो आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। माई लेक्चर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स।